हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, क्योंकि बहुत वास्ट है। ठीक है, इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं पढ़ने को, लेकिन हमें जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ये पढ़े वो पढ़े क्या पढ़ें। ठीक है, तो आज हम सारी बातें को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन सा बुक रेफ़र करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली पढ़ना तो है ही, बट हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ओके, तो इस सेशन को हम शुरुआत करेंगे। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम बात करें चारों सेक्शन की तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों पे सब लोग फोकस करते हैं। ठीक है, सबको ये लगता है कि इन तीनों पे फोकस करेंगे तो हम पास हो जाएंगे, टीयर वन हमारा क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि एवरेज मार्क से आपकी मार्किंग ऊपर जाए, मतलब एवरेज मार्क से आप ऊपर रहें, आप टॉप लिस्ट में रहें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनरल अवेयरनेस में स्कोर करना। अगर आप जनरल अवेयरनेस में स्कोर करोगे तब आप अबव एवरेज होगे। ठीक है, टीयर वन में, अगर आप टीयर वन में अबव एवरेज हैं तो ही आप टीयर टू में अच्छे मार्क्स ला करके या जो एवरेज मार्क्स ला करके भी आप टॉप स्कोरर बन सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रीवियस ईयर पैटर्न की, कि पिछले दो सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस देखे गए हैं। अगर 2017 की बात की जाए, मैं 2017 सीजीएल की बात करती हूँ प्री लेवल की, तो 2017 सीजीएल में साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए थे, करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए थे, या 4 से 5 कह लो, और साइंस मेजर रोल वहाँ पे प्ले करता है। बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन अगर मैं 2018 सीजीएल की बात करती हूँ, जो इस साल टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो करंट अफेयर्स से आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स से 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, करंट अफेयर्स से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और ज्योग्राफी की बात करूँ मैं, ज्योग्राफी से हार्डली 1 क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, फ़र्क नहीं पड़ता एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, किसी से भी क्वेश्चन शफल करके वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको फोकस करना है मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे। मेडिवल हिस्ट्री में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से अगर आते हैं तो यहीं से आते हैं। और इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल डायनेस्टी, यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में राइट फ्रॉम द अराइवल ऑफ गांधी जी एंड राइट फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, वहाँ से लेकर के फ्रीडम, जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है 1947 तक, वहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते हैं। और मॉडर्न से अक्सर देखा जाता है कि लॉर्ड्स एंड वाइसराय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, गांधी जी के स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी है हिस्ट्री में। इसके बाद करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके की मैं बात करूँ तो स्टैटिक जीके में स्टेट एंड डांस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिमिलर पैटर्न है, स्टेट एंड डांस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मे बी इस साल स्टेट्स एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट एंड फेस्टिवल्स ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, 3 सेशन है, हर स्टेट के फेस्टिवल्स को वहाँ पे विद ट्रिक्स आपको बताया गया है, आप चाहे तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वुमेन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। वुमेन हमेशा एक फोकस में रहती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की बात करें, आप अगर ऐसे वाले जो टीयर 3 है वहाँ से बात उसके लिए उससे रिलेटेड बात करें, या फिर जनरल अवेयरनेस से, करंट अफेयर्स किसी की भी बात करें, वुमेन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन अमंग वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे।
नोबेल प्राइज 2019 का भी वीडियो है जो ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से एक नंबर तो पक्का है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, इसके अलावा किस चीज़ के लिए मिला है नोबेल प्राइज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी विथ ट्रिक्स आपको बताया गया है ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। मिलिट्री एक्सरसाइजेज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और हर साल पूछा जाता है, इंडिया के मिलिट्री नेवल एंड एयर एक्सरसाइजेज विथ अदर कंट्रीज़, ये क्वेश्चन एक नंबर का पक्का है। ये वीडियो भी आपको ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा विद ट्रिक्स, किस तरीके से याद करना है ये भी उसमें बताया गया है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूं स्टेट्स एंड फेस्टिवल, नोबेल प्राइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इन तीनों का वीडियो आपको ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जाइए देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए और औरों को भी पढ़ाइए, ठीक है। और कोई भी डाउट्स होता है आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर पैटर्न। इसके बाद देखा गया था 2018 में कि साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर 17 की बात करती हूँ तो साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट 2018 TCS वेंडर उन्होंने साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से पूछा गया था, नॉन मेटल से, मतलब मैंने ये जो डेटा कंपाइल किया है वो 2-3 पेपर्स को कंपेयर करके किया है, तो नॉन मेटल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइसोमर्स, आइसोटोप्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे गए थे। एसिड से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एसिड का भी वीडियो है ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे, एसिड एंड देयर सोर्सेज, इनफैक्ट बेसिस एंड देयर सोर्सेज पे भी वीडियो है, सेम वीडियो में कंपाइल्ड है, तो आप इसे भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में लाइट से क्वेश्चन पूछा गया था, आई से क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा पूछा जाता है कि ये एक्टिविटी है, अगर मैं कारपेट को स्टिक से बीट कर रही हूँ तो कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो ये भी पूछा गया था। ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सरफेस टेंशन से पूछे गए थे, कैपिलरिटी से पूछा जाता है अक्सर, सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यानी कि अगर जैसे हम अपने हाथ को रब करते हैं तो कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रोफोन में कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, तो इस पर भी वीडियो आपको ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ SI यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसे नोट कर लेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में हाथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, ठीक है, फिंगर्स में कितने बोन्स होते हैं, हमारे स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैं एक एक करके इन पे वीडियोस आपको दूंगी, ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चले कि कौन सी वीडियो आ रही है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू स्टे अपडेटेड, ओके। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो साइंस से ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन नोट कर लेंगे और इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में इस साल बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से, और इको से क्वेश्चंस किसी पेपर में आए भी थे, किसी पेपर में नहीं भी आए थे, तो इको से मैंने फिर भी फॉर द सेफ साइड एक क्वेश्चन रख लिया है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पिछले 2 सालों से। अगर 2017 की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अगर मैं 2018 की बात करती हूं तो 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल फोकस में रखना है, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं किसी भी SSC एग्जाम्स के लिए, ठीक है, चाहे वो CHSL की बात करें या CGL की बात करें, MTS की बात करें या स्टेनो की बात करें, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। ये भी कहाँ से मिलेगा आपको, ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे, हर सुबह 6:30 बजे हिंदी करंट अफेयर्स और हर सुबह 7:30 बजे इंग्लिश करंट अफेयर्स आपको ऑनलाइन तैयारी प्रोवाइड करता है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं डेली, ठीक है।
इसके बाद मैं बात कर दूँ किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा हिंदी करंट अफेयर्स। इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विद हिंदी तो आप हिंदी करंट अफेयर्स देखेंगे, अगर आप इंग्लिश में कम्फर्टेबल हो आप तो आप इंग्लिश करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, हर दिन आपको करंट अफेयर्स मिलता है, चाहे तो आप नोट कर ली, किसी कोई रजिस्टर मेंटेन करे, आपको लगता है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज से कुछ पूछा गया है, बताया गया है, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आप उसे नोट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, न्यूज़ एनालिसिस भी आपको मिलता है ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर, न्यूज़ एनालिसिस बाय अंजलि मैम, न्यूज़ एनालिसिस आप देख सकते हैं। सुन करके आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ नोट डाउन करने की है, इनफैक्ट मैम वहाँ पे पॉइंट आउट भी कर देती हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें या आप उसे नोट करके रख लें, बेटर होगा आप नोट करके रख लें क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में यूं ही पड़ा रहता है, आप देख नहीं पाते उसको। ठीक है, नेक्स्ट है मिसलेनियस जीके। मिसलेनियस जीके जैसा कि मैंने आपको बताया, डांस इन स्टेट्स एंड डांस स्टेट्स एंड फेस्टिवल, देन मिलिट्री एक्सरसाइजेज, उसके बाद नोबल प्राइज, ए सी डैन दियर सोर्सेज, इनफैक्ट सिटीज़ कौन कौन से रिवर बैंक पे सिचुएटेड हैं उस पर वीडियोज़ हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे वीडियोज़ हैं। तो आप ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल को आप जाएँ, थोड़ा सर्च करें, आपको जनरल अवेयरनेस के काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, मिनिमम एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है। मैंने कहा है मिनिमम आपको एक देना है, लेकिन अब मैक्स आप दो या तीन भी दे सकते हैं। एक घंटे का पेपर है, इट्स वेरी इजी कि दो घंटे आप पेपर दे दें या तीन घंटे आप पेपर दे दें, बट सिर्फ पेपर ही नहीं देना है, उसको प्रॉपर एनालाइज भी करना है किस तरीके से, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड। अगर नोबेल प्राइज़ से पूछा गया है तो हम नोबेल प्राइज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, किसके बिहाफ पे दिया जाता है, किसके नाम पर ये दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। तो इस तरीके से आप अगर एक सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो रहा है आप वो भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। अगर क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से आया है तो आप खुद सर्च करें कि नोबेल प्राइज़ से और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है अपना डेली मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप एक और रजिस्टर मेंटेन करें, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख सकते हैं आप। ऑनलाइन तैयारी प्लेटफॉर्म पे आपको एसएससी सीजीएल का टेस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन तैयारी हर वीकेंड ऑल इंडिया टेस्ट कंडक्ट करवाता है, आप वो भी देख सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहे ऐप पे दीजिए या वेब पे दीजिए। ठीक है, इसके बाद है किस तरीके से कौन से बुक्स आपको रेफ़र करने हैं फॉर जीए सेक्शन। ठीक है, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए लूसेंट से बेस्ट कुछ भी नहीं है, आपको पॉलिटी के लिए लूसेंट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। पॉइंटर्स में दे रखा है, जितना दे रखा है उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी में आपको अपने टिप्स पे रखने हैं, आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, आपको मतलब जितने भी ये पोस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है आपको, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है आपको, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है आपको, तो ये सारे जो लूसेंट में दे रखा है आपको वो पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आपको तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पढ़ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही है। जितने भी पोस्ट है, गवर्नर्स हो गया, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, इन सब के आर्टिकल्स, इन सबको अपने आप टिप पे रखना है। जैसे भी आप पेपर दोगे ना ऑनलाइन, जैसे भी आप कोई भी अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से किस फील्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको उसी तरीके से उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस के लिए भी आप लूसेंट रेफर कर सकते हैं, बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप वहाँ से लूसेंट से आपको पढ़ना है, और कोई भी बुक आपको रेफर नहीं करनी है पॉलिटी और साइंस के लिए। ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में अब जो पैटर्न देखा जाता है, हमेशा रिवर्स के बारे में पूछा जाता है, नेशनल हाईवेज के बारे में पूछा जाता है, फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट बुक उठाइए, वहाँ से टॉपिक्स देखिए कि किस किस टॉपिक के बारे में बताया गया है, एंड देन ऑनलाइन सर्च कीजिए आप, या फिर एनसीईआरटी में अगर आपको कोई टॉपिक मिल जाता है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है। हिस्ट्री के लिए देखो बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें आपको मिल जाएंगी हिस्ट्री के लिए। आपको मैंने प्रॉपर बता दिया है कि किस किस के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, राइट फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर के गांधीयन एरा से लेकर के फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के 1947 तक पढ़ना है। तो कोई भी हिस्ट्री की बुक आप उठाएं जहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई हैं। और अगर आपको तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी मिल जाती है दैट्स वेरी गुड, क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, ये सब भी बहुत अच्छे से, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब भी वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप थोड़ा सा सर्च करें कौन से क्लास की बुक से क्या दिया गया है और वहाँ से जाके आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप उसको इग्नोर भी करते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप इसके लिए भी लूसेंट रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि कौन कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको ऑनलाइन तैयारी प्लेटफॉर्म से बेटर कुछ भी नहीं है। स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी चैनल, सब्सक्राइब कीजिए अभी, और डेली के डेली के जो करंट अफेयर्स आते हैं उसका आप चाहे तो नोट्स बना लें या अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का सेशन। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हो। इनफैक्ट अगर आपको लगता है फिर भी कि कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम लोग उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स ज़्यादा दूर नहीं है, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें। डोंट वेस्ट योर टाइम मोबाइल पे, यूट्यूब पे, और पबजी खेलना थोड़ा बंद करो यार। अगर यूट्यूब देखते भी हो तो आप ऑनलाइन तैयारी के प्लेटफॉर्म चैनल को देखिए, ठीक है। आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए, 1 से 2 मॉक टेस्ट दीजिए, और कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए ऑनलाइन तैयारी के पूरे टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और कुछ भी डाउट होता है जस्ट प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू।